हेलो गाइस, मैं हूँ सोनू। और दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली है दमनदू में वैकेंसी आई है बैंक के। तो दोस्तों, ये बैंक की वैकेंसी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म दे दूंगा। और दोस्तों, ये वैकेंसी दोस्तों 3 इयर्स के लिए है। बाकी ये बाद में ये वैकेंसी है ये अपडेट करेगी, बाद में आपको रिन्यू करते रहेगी। तो दोस्तों, ये वैकेंसी बैंक में बैंक की है। और दोस्तों, ये मैनेजिंग डायरेक्टर की MD की है। और ये दोस्तों 32-35 ईयर्स के लिए है। फुल फैसिलिटी देगी, आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन में ये मांगी हुई है दोस्तों ग्रेजुएशन, और ये चार्ट CA भी रहेगा तो भी चलेगा, MBA फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट भी रहेगा तो भी। एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 ईयर्स और एक्सपेक्टेड स्किल होना चाहिए, ये सब कंप्यूटर वम्प्यूटर और बाकी सब बोलने वोलने का होना चाहिए, और बैंकिंग की नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये रही आपकी ये सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ये सब एनालिटिकल ये सब नॉलेज वाले ये सब होना चाहिए। और 3 ईयर्स के बाद एक्सपेंड RBI के हिसाब से एक्सपेंडेबल करेंगी। दूसरा आगे देखते हैं दोस्तों। और ये वाला दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्म भर के देनी है, नीचे दिए गए फॉर्म को भर के आपको यहाँ पे एड्रेस पहुँचानी है जनरल, ये एड्रेस पे जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन दमन दी है। तो आपको ये एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर्म। और दोस्तों, ये सब आप है ना देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ मांगी हुई है। तो ये दोस्तों यही है। फिर उसके बाद फॉर्म, ये फॉर्म भरनी है आपको, फ़ोटो लगाना है, और उसके बाद नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इस डेट को गूगल से अपडेट करके लिख लीजिए। फिर कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल, जेंडर, नेशनलिटी, बर्थ डेट। फिर उसके बाद दोस्तों, उसके बाद कहाँ रहते हो आप, रीजन, कौन से कैटेगरी, डोमिसाइल कहाँ है, मास्टर्स रहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन कितना, कौन सी यूनिवर्सिटी, कितने का पास हुआ, कितना परसेंटेज एक्सपीरियंस में दोस्तों, कहाँ पे काम किए थे, वो डिजाइनेशन क्या थी, कब से कब तक, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कितना पैसा और क्या अचीवमेंट किए। और दोस्तों, इसके बाद है ना आपको रिटायर कब हुए थे और डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल सर्विस कब थी, फिर जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखनी है। फिर क्या थी आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, फुल एड्रेस, पोजीशन क्या थी, कब क्या चीज़ के लिए थे, रिपोर्टिंग कर रहे हो, सैलरी क्या थी, रूरल में क्या थे, कि किस में थे। दोस्तों, इसके बाद आपको है ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है आपको पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप काम करने जा रहे हो। और दोस्तों, और ये उसके वो जो अप्लाई पोस्ट के लिए 200 वर्ड्स के लिए लिखिए। डिक्लेरेशन है आपको डेट, यहाँ पे आपका साइन चाहिए, प्लेस, और जब कब लिख रहे हो जिस डेट पे, आपको ये डॉक्यूमेंट सब अटैच करके देना है, तभी एक्सेप्ट होगा दोस्तों। और दोस्तों, ये डिक्लेरेशन है बैंक के हिसाब से, तो डिक्लेरेशन लिखा है कम अंडरटेकिंग सी और मेंबर ऑफ मैनेजमेंट, ये तो ये थोड़ा जो दिया है दोस्तों, ये सब आप फुलफिल कर लीजिए। और आगे देखते हैं, ये फुलफिल्ड हो जाएगा, आप जो दिया है जो 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 डॉक्यूमेंट मांगी वो। फिर उसके बाद ये डिक्लेरेशन है आपको, ये कब कहाँ से लिख रहे हो और आप किस जगह कब लिख रहे हो, आपका सिग्नेचर चाहिए, और जिस ये रिमार्क्स है और बैंक के लिए, और ये सब वो लोग देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको है ना ये सब नीचे का फॉर्म भर के है ना डॉक्यूमेंट को यहाँ पे भरना है। और ये इसका 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 सितंबर को, हाँ 2022। आपको सही समय पे जल्दी से जल्दी जल्दी फॉर्म भर के जहाँ यहाँ पे दे देना है। और इसमें बहुत अच्छी सैलरी है दोस्तों, और आपको है ना टाइम पे पहुँच जाना है। और 2 घंटे ये सब कब कहाँ इंटरव्यू होगी, कहाँ रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ये सब अपडेट मैं ही देता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी एग्ज़ाम इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू, सभी एग्ज़ाम अपडेट तक पहुँचा सको आप तक। तो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।